नमस्कार मित्रों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यह जो क्षेत्र जहां पे हम खड़े हैं वो है नगरोटा का व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट जो है बहुत ही सुंदर है। ये जम्मू से 21 किलोमीटर दूर जो कश्मीर मार्ग है, श्रीनगर मार्ग है, वहां पे स्थित है। बड़ी सुंदर नजारा है। तो सामान्य होली के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। होली का जो त्यौहार है उसका एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार सामान्य जो राजा हिरण्यकश्यप थे, जो दैत्य कुल के थे, राक्षस थे, लेकिन उसके कुल पे उनका जो पुत्र हुआ वो बहुत बड़ा हरि का भगवान का भक्त हुआ, और भक्त होने के कारण से वो भगवान का दिन रात प्रतिदिन 24 घंटा भक्त भजन करता था। उसके भक्तपन को, उसके भजन को उनके पिताजी उनको स्वीकार नहीं किए, और उसको मारने के लिए अनेक प्रकार के तरीका अपनाए, उसके मारने के लिए बहुत से यातनाएं दिए, कष्ट दिए। उसके बाद में भी वो मरे नहीं। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मंत्रियों से, जाओ और इसको ऊंची पर्वत से, पहाड़ों से ढकेल दो। तो उन्होंने ऐसे पहाड़ में ले गए, जहाँ पहाड़ में ले जाने के बाद में उसको पकड़ा और ऊपर से पहाड़ से ही नीचे में फेंक दिए। लेकिन प्रभु की माया है, माया नीचे किसी भी चलती नहीं, इसलिए भक्त प्रहलाद जो वहाँ से बच जाता है और अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई इतने ऊपर से फेंकने के बाद भी यह कैसे बच गया। लेकिन प्रभु की जो इच्छा है, उसके बाद में उनको एक भट्टी जलाया गया, भट्टी के ऊपर कढ़ाई रखा, कढ़ाई में तेल डाला और खौलते हुए तेल में उसको बिठाया गया, और खौलते हुए तेल में बैठने के बाद में भी जो भक्त प्रहलाद थे वो भगवान का भजन कर रहे थे और उसका कुछ भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ। कुल मिला करके प्रभु की भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी उसके पिताजी बड़े नाराज और बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा नहीं, इसको किसी भी चीज ने मारना ही है। तो फिर उन्होंने अंतिम विकल्प सोचा कि उनकी जो बहन थी जिसकी नाम थी होलिका, होलिका को भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था और वरदान के अनुसार से उसको आग जला नहीं सकती थी, वो अच्छे काम के लिए थी। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उस वरदान का उपयोग करने के लिए और अपनी बहन को कहा कि होलिका, आपको आज मेरी सहयोग की आवश्यकता है, आप सहयोग करो। बोले जो भाई साहब आप आज्ञा करो। तो उस प्रकार से होलिका और भक्त प्रहलाद के लिए एक बहुत बड़े चीता रचा गया। चीता इतनी बड़ी, इतनी विशाल चीता थी जिसके ऊपर में होलिका बैठी, होलिका के ऊपर उसके गोद में भक्त प्रहलाद बैठा, और नीचे से चीता को आग लगाया गया। जब चीता को आग लगाया, चीता की जब लपेटे बढ़ी तो धीरे धीरे चीता इतने जलने और इतने उसके अंगार लगने लगे कि धीरे धीरे होलिका तो नष्ट हो गई, किंतु प्रभु की माया से प्रहलाद पुनः बच गया। तो कुल मिला करके जो होलिका थी वो बुराई की प्रतीक थी, वो बुरी चाहती थी, भगवान का दुरुपयोग करना चाहा। इस कारण से होलिका जो है जल गई और प्रभु के जो भक्त है अच्छाई की जीत हुई। तो इस कारण से बुराई का समाप्त होने के कारण से लोग आपस में खुशी से रंग और गुलाल नगाड़े और उसके भाग के गीत और धुन में नाचते गाते और हर्षोल्लास से होली मनाते, होली मनाना आरंभ किया। कुल मिलाकर के होली का जो त्यौहार है, आपसी स्वभाव, मित्रता, वैमनस्य, आपसी बैरी, जो दुश्मनी का जो भाव है उसको मिलाने का है, और छोटों को गुलाल लगाना, रंग लगाना, बड़ों को लगाना, उससे आशीर्वाद लेना, गले मिल करके लगाना, और आपस में भाईचारा का, प्रेम का जो यह संदेश जो होली के त्यौहार से हमको मिलता है। तो इस प्रकार से होली एक सामान्य पौराणिक कथा है जिसके अनुसार से हम होली को मनाते हैं।